गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइडेंटिफाई दिस शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कलर इट। कह रहा है कि आप इस शेप जो यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है उसको आइडेंटिफाई कीजिए और इसको कलर कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं ए में फर्स्ट में ये जो फिगर बना है वो क्या चीज का फिगर है, वो है ओवल। उसके बाद क्या है, सर्कल। उसके बाद क्या है, स्क्वायर। उसके बाद क्या है, ट्रायंगल। इस तरह से आपके बुक में पेज नंबर 94 आप निकालेंगे और देखेंगे कि बी नंबर में रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल और रेक्टेंगल, फिर ट्रायंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल। इस तरह से सारा फिगर दिया हुआ है, मैंने सारे फिगर का नाम लिख दिया है और आप अपने बुक को निकालेंगे और सब फिगर को अलग अलग कलर से सबको कलर करेंगे। ओके स्टूडेंट, आप देखें नीचे में कि यहाँ किस तरह से आपके फिगर को कलर किया गया है। इस तरह से आप भी सब में इस वीडियो को देखते हुए सब में इसका नाम लिखेंगे और नाम लिख करके सबको कलर करेंगे। ओके स्टूडेंट, आप देख रहे हो कि सब में यहाँ नाम भरा हुआ है, अभी आप देख करके सबको नाम भरेंगे। ओके स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। सर्कल द सेम शेप इन इच रॉ। कड़ा है कि एक रॉ में जो सेम सर्कल है उसको क्या करना है, उसको सर्किल करना है। आप देखो यहाँ ये शेप देखो, तो इस रॉ में दो शेप ऐसे हैं जो सेम सेम है, वो है हमारा सर्कल। तो सर्कल को क्या करना है, सर्किल करना है। ओके स्टूडेंट, आप बी में देखिए, यहाँ भी कुछ शेप दिए हुए हैं और इस शेप में दो शेप जो है बिल्कुल एक जैसा है, वो है हमारा ट्रायंगल। ओके, तो इसको क्या करेंगे, हम सर्कल करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर सी में आएंगे, यहाँ भी देखिए कि सेम शेप में कौन कौन से सर्कल शेप आते हैं। तो आप देखिए इसमें एक ओवल है और यहाँ भी एक ओवल है, यानी कि इसमें भी दो ओवल है जिसको हमने सर्कल कर दिया है। ओके स्टूडेंट, आप इस तरह से अपने बुक का पेज नंबर 64 निकालेंगे और इस वीडियो को देखते हुए सारे शेप्स का नाम लिखेंगे और इसमें इसको कलर करेंगे। ओके स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे का एक्सरसाइज शेप ऑफ द सेम साइज इसको मैं पढ़ाऊंगी। ओके स्टूडेंट, बाय।